नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन क्या है? बेसिकली ये कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं, ये डिराइव्ड ऑपरेशन है। दैट मींस डिवीजन को हम दूसरे ऑपरेशंस का यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं, जो भी हमें काम चाहिए वो। डिवीजन ऑपरेशन क्या है? यहाँ पे सपोज हमारे पास दो रिलेशन है। अब ये दो रिलेशन पे मुझे डिवीजन परफॉर्म करना है। दैट मींस मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है आर डिवाइड बाई एस। तो ये किस तरह से परफॉर्म होगा कि अगर बेसिक एग्जांपल से अगर मैं देख के दूँ तो यहाँ पे आर के अंदर है ए एंड बी एट्रीब्यूट्स और एस के अंदर है एट्रीब्यूट ए। तो डिवीजन का मतलब क्या है? माइनस। ओके, अब ये वो माइनस नहीं है जो हम सेट डिफरेंस में देख रहे थे। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आर माइनस एस। तो यहाँ पे माइनस क्या होगा? वहां पे कंटेंट माइनस होता था सेट डिफरेंस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एट्रीब्यूट माइनस हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा बी। ओके, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट होगा वो कैंसल हो जाएगा। अब ये कैंसल किस तरह से होगा उसकी भी कंडीशन है। लाइक किस तरह से कि यहाँ पे मेरे पास आर और एस है, अब मैं डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, चेक किया जाएगा कि ये जो ए के कंटेंट है ए वन एंड ए टू यहाँ पे किसके साथ करेस्पॉन्डेंस में है। डेट मीन्स यहाँ पे ए वन और ए टू के साथ कॉम्बिनेशन में कौन कौन आता है। डेट मीन्स बी का जो डेटा है कैपिटल बी का बी वन बी टू एंड बी थ्री, तो ये बी वन बी टू एंड बी थ्री एस के सारे कंटेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए वन बी वन ए टू बी वन ए वन बी टू एंड ए टू बी टू, यानी कि बी वन जो है वो ए वन और ए टू दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, बी टू जो है वो ए वन ए टू दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, बट जो बी थ्री है वो ए वन के साथ ही बना रहा है, ए टू के साथ नहीं बना रहा है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एट्रीब्यूट बी मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, मुझे एट्रीब्यूट बी मिलेगा, लेकिन बी के अंदर कौन से टपल्स आएंगे, बी वन एंड बी टू, यानी कि बी थ्री नहीं आएगा बिकॉज बी थ्री सिर्फ ए वन के साथ ही कॉम्बिनेशन बना रहा है, ए टू के साथ नहीं बना रहा है, तो बी थ्री नहीं आएगा। तो मुझे आंसर मिलेगा बी वन एंड बी टू। तो ये है डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होगा। नाउ डिवीजन ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन हमारे जो है आर ए के रिलेशनल अलजेब्रा के, उससे किस तरह से परफॉर्म होगा? तो यहाँ पे तीन स्टेप है, वन टू एंड थ्री। ये तीनों को परफॉर्म करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिलना चाहिए, तो हम ये वन बाय वन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आउटपुट क्या है, यहाँ पे टी वन हमें चाहिए। तो टी वन किस तरह से आता है, प्रोजेक्शन ऑफ आर माइनस एस इन रिलेशन आर। तो यहाँ पे मुझे आर माइनस एस परफॉर्म करना है, तो आर माइनस एस सेट डिफरेंस है सिंपल। तो आर माइनस एस दैट मीन्स आर माइनस एस में यहाँ पे ए वन ए टू पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे क्या आउटपुट में मिलता है आर माइनस एस का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आर माइनस एस, और आर माइनस एस में से मुझे कहाँ से प्रोजेक्ट करवाना है, आर में से। तो यहाँ पे माइनस होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ए वन ए टू माइनस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा बी, और उसके अंदर बी वन बी टू एंड बी थ्री। ओके, और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ आर में से। ओके, तो ये क्या है टी वन। वंस अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरह से आया, मुझे प्रोजेक्ट करवाना है आर में से, लेकिन कंडीशन क्या है आर माइनस एस। तो आर माइनस एस करने के बाद कंडीशन क्या रहती है हमारे पास, आर माइनस एस परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सिर्फ जो कॉलम बी रहता है और बी में मुझे प्रोजेक्ट करवाना है सिंपल। तो बी को प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो सेम वैल्यू निकल जाएगी, बी वन बी टू एंड बी थ्री मुझे मिल जाएगा, ये मेरा टी वन है। ओके, नाउ टी टू किस तरह से मिलेगा, तो टी टू थोड़ा डिफिकल्ट है। टी टू किस तरह से मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे ये परफॉर्म करना है, ये रिलेशन में से प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ आर माइनस एस को। तो ये रिलेशन फर्स्ट फाइंड करते हैं एस क्रॉस टी वन। तो एस क्रॉस टी वन, तो ये एस क्रॉस टी वन में अगर परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ए एंड बी और ए वन बी वन ए वन बी टू ए वन बी थ्री ए टू बी वन ए टू बी टू एंड ए थ्री बी थ्री। ओके, सिंपल कार्टेशियन परफॉर्म करना है, तो कार्टेशियन परफॉर्म किया तो ए वन बी वन ए टू बी टू ए टू बी थ्री एंड सारे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने परफॉर्म किया। नाउ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मुझे माइनस करना है आर को। ओके, सो यहाँ पे ये क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टपल है जो ये इसमें
और इसमें नहीं आता है, यानी कि ये दोनों में से कॉमन होके जो निकल जाएगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे। लेट अस सी ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, देन हम इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर s क्रॉस t1, यानी कि ये जो s क्रॉस t1 है उसमें से r को माइनस कर देता हूँ, इसमें से मैं r को माइनस करता हूँ तो जो सेम वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे a1 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 b1 निकल जाएगा, a1 b2 वो भी निकल जाएगा, a1 b3 ओके वो भी निकल जाएगा, a2 b1 ओके a2 b1 भी निकल जाएगा, a2 b2 यस निकल जाएगा। अब रह जाता है a3 b3। तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा रिलेशन का, ए बी और यहां पे ए ओके सॉरी यहां पे ए टू आएगा ओके तो यहां पे मुझे मिलेगा ए टू बी थ्री ओके। तो ये ए टू बी थ्री मुझे यहां पे मिल रहा है और इसमें से मैं प्रोजेक्ट करवाना चाहता हूं आर माइनस एस। तो आर माइनस एस दैट मींस क्या था, आर माइनस एस ये था आर माइनस एस, सिंपल। मैं यहां पे परफॉर्म करवाऊंगा तो ए निकल जाएगा, यानी कि ये जो रिलेशन मिल रहा है उसमें से मुझे एस को माइनस कर देना है ओके। तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, बी और यहाँ पे है बी थ्री। तो ये पूरे का आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है टी टू बी थ्री मिल रहा है ओके। अगर अच्छे से समझते हो तो इसने क्या किया, सिंपली ये इक्वेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, एस क्रॉस टी वन में से पहले आर को माइनस किया, तो जो भी रिलेशन मिल रहा है उसको मुझे उसमें से मैं प्रोजेक्ट करवा रहा हूं आर माइनस एस। आर माइनस एस सिंपली क्या मुझे दे रहा है, आर माइनस एस सिंपली मुझे बी दे रहा है। तो यहां पे मैं बी को प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो बी के अंदर वैल्यू है बी थ्री, तो ये बी थ्री मुझे मिल रहा है। दैट मींस हमें टी वन में क्या मिला था, टी वन में मुझे मिला था बी वन बी टू एंड बी थ्री, और टी टू में मुझे क्या मिला बी थ्री। तो यहां पे ये सेकेंड ऑपरेशन जो है वो क्या फाइंड करता है कि कौन सा ऐसा टपल है जो इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है ए वन ए टू के साथ इसमें से। तो हमने फाइंड कर लिया बी थ्री क्योंकि बी को प्रोजेक्ट करवा रहा है, अब ये बी थ्री को माइनस कर देंगे, यानी कि थर्ड जो है वो क्या कह रहा है टी वन माइनस टी टू। तो जैसे ही मैं टी वन माइनस टी टू परफॉर्म करूंगा तो टी वन में कौन सी वैल्यू है बी वन बी टू बी थ्री, और टी टू में कौन सी वैल्यू है बी थ्री, तो ये दोनों माइनस हो जाएगी और मुझे जो फाइनल आंसर टी मिलेगा वो क्या मिलेगा बी एंड बी वन बी टू। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रही है। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस बेसिक ऑपरेशन, लेकिन ये क्या है इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट को मैंने बेसिक आइडिया आपको स्टार्टिंग में दे दिया था किस तरह से ये आंसर आया। बाद में यही आंसर को हमने ये तीन स्टेप्स परफॉर्म करके ये आंसर लिया। तो ये बेसिक ऑपरेशन डिवीजन का है और इसको डिराइव किया गया है, ये कोई रिलेशनल अलजिब्रा का पहले से ही कोई मेन ऑपरेशन नहीं है, इसको हम डिराइव कर रहे हैं इतने बेसिक ऑपरेशन में से। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, थोड़ा डिफिकल्ट है आई गेस, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है डिवीजन का, अगर आप समझ लेते हो देन बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।